किया यार? मुझे बोला गया था, मुझे बोला गया था, किसने बोला इससे मतलब नहीं है। मुझे बोला गया था ये क्या है? ये एक पैसिव का सेंटेंस है। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव से पैसिव बनाना हो या फिर पैसिव सेंटेंसेस को ही ट्रांसलेट करना हो डायरेक्टली, तो आप कैसे करेंगे? साथ ही साथ आप एग्जामिनेशंस में अगर बैठने वाले हैं तो आपको अगर पहचानना हो कि इस एक्टिव का सही पैसिव क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि मैं आज आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके जरिए आपके लिए ये सारी चीज़ें बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तीन ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगी जिसके जरिए आप कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने में गलती नहीं करेंगे। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपके लिए सारे सॉल्यूशन लेके आऊंगी, सब कुछ आपको बहुत ही आराम से बताऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन से याद आया, क्या आपने टेंस वाली वीडियो देखी है? क्योंकि उसमें मैंने पूछा था क्या टेंस आपके लिए टेंशन है। उस पर आप सबका बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत तारीफ की और ये भी बोला कि मैम पहले मुझे ये लगता था कि टेंस बहुत ही बोरिंग चीज है और टेंस को समझना मुश्किल है, लेकिन काश मुझे ये वीडियो पहले मिली होती, अब इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा है इंग्लिश की आपको क्या बताएं। तो गाइज, वो वीडियो आप जरूर से देख लें, क्योंकि वैसी ही कुछ ये भी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है, और अगर एक्टिव पैसिव आपको हुआ लगता रहा हो तो आपसे नहीं लगेगा। तो गाइज, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेंस वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ये चार ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती, ठीक है? उसमें है पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती और इसकी नहीं बनती। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो अब बचे आठ, 12 में से चार चले गए, आठ को आपको सीखना है। तो मैं आपसे कहती हूं कि अगर आपने तीन को समझ लिया तो उसके बाद आप उन पांचों को बड़े आराम से सीख लेंगे, ठीक है? यानी कुल मिला के आपको आठ सीखने हैं जिसमें से आपको सिर्फ तीन ही सीखना है। तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहें, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपको दूंगी। तो गाइस, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस सीखना जरूरी क्यों है। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम ये जिक्र नहीं करना चाहते कि काम कौन कर रहा है, बस काम की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, यानी कि क्रिया पर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है, मुझसे बोला गया। अब यहां मैं क्या कुछ कर रही हूं? यहां जो ये मुझसे है, यानी कि मैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो क्या मैं कुछ कर रही हूं? मुझसे बोला गया, किसी और ने कुछ बोला मुझसे, तो मैं यहां आपका ध्यान इस पर खींच रही हूं, बोला गया, किसने बोला, इस पर नहीं, ठीक है? तो कौन काम को कर रहा है ये ना बताना हो, आपको ये बताना हो कि क्रिया क्या हो रही है, तब आप पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सबसे मेन रीजन ये है, या फिर जो करने वाला है वो अननोन है, उसके बारे में नहीं पता है, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, उसे चोट लग गई है। कैसे लगी, किससे लगी नहीं पता, लेकिन चोट लग गई है, तो ध्यान किधर हमें खींचना है कि चोट लग गई है और हमें पता नहीं है कि कैसे लगी है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस हमारे डेली यूज में आता है, यानी कि हम ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं, मुझसे बोला गया, उसे चोट लग गई। अब ये सेंटेंस है, राम ने बोला मुझसे, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। अब फर्क को समझते हैं क्यों। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो सक्रिय का मतलब कि जो कुछ कर रहा हो, और निष्क्रिय का मतलब जो कुछ भी ना कर रहा हो। तो यहां पे जब एक्टिव की बात करते हैं तो यहां पे जो करता होता है ना, सब्जेक्ट, ये एक्टिव है, ये जो कर रहा है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि कर्ता काम को कर रहा है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, और ये एक पैसिव सेंटेंस है, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। तो जब कर्ता किसी काम को कर रहा है, सेंटेंस में जो करता है, तो वो एक्टिव के सेंटेंस हुए। और जब कर्ता कुछ नहीं कर रहा है, वो क्रिया को रिसीव कर रहा है, जैसे कि यहां मुझसे बोला गया, कोई बोल रहा है, मैं सुन रही हूं, तो मैं रिसीव कर रही हूं, क्रिया कोई और कर रहा है, लेकिन सेंटेंस में कर्ता मैं हूं, तो कर्ता निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। ये मोटा मोटा फर्क है, इस चीज को आप समझ लीजिए। जब कर्ता क्रिया को करता है खुद,
तब वो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और जब कर्ता रिसीव करता है काम को, क्रिया को रिसीव करता है, यानी कि उस पर क्रिया होती है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, तो वो पैसिव में आता है। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे, सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे, इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है टेंस में, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मोटा मोटा हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हम यहीं पे लिखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं ताकि आप समझ पाए, सब्जेक्ट उसे बाद में बनाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट यहां जाता है, और ये जो वी है ये यहीं रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि पैसिव सेंटेंसेस में क्रिया ही प्रधान है, यानी कि मेन काम किसका होता है, वर्ब का। ये तो ये सेंटर में ही है, इन्होंने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। आप क्रॉस याद कर लीजिएगा, ये क्रॉस, तो आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब एज इट इज वैसे ही आएगी। लेकिन अब इस चीज को समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट यहां आता है तो इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है। तो ये यहां से यहां भले आ गया, बट वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वैसे ही जब सब्जेक्ट यहां पहुंचता है तो इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म यूज होती है। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि राम ने बोला मुझसे, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, तो इसका होगा राम टोल्ड मी, ठीक है। ये एक एक्टिव सेंटेंस है नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट का, राम टोल्ड मी। अब इस सेंटेंस को यहां लिख लेते हैं, राम टोल्ड मी। अब ये मी जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा और ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो ये मी की जगह आई हो जाएगा, ये अपने सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये राम जो है ये यहां से ऑब्जेक्ट वाली जगह पे जाएगा, यानी कि भले सब्जेक्ट था बट यहां ऑब्जेक्ट का रोल अदा करेगा, कि राम है तो राम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस राम की जगह यहां पर होता ही, तो क्या ही यहां जाके ही बनता, नहीं, ही जब ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आता तो हिम बन जाता, ठीक है। तो अगर इनके केस हमें चेंज करने पड़े तो करने होंगे, क्योंकि मी है तो सब्जेक्ट की जगह पर आई बन जाएगा, ही है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम बन जाएगा। तो आपने इस बारे में पढ़ी रखा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में डे 1 से लेके डे 5 में आप ऐसे तमाम वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है टेंसेज में यूज करने की। ये आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। अब इसकी बात करते हैं, जो ये वर्ब है ये हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 आती है। ये रही आपकी टिप नंबर 1। इसे याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको मेन वर्ब को लेके टेंशन नहीं लेना है कि सेकेंड फॉर्म लगानी है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर आपको सही आंसर चूज करना हो तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो ये हो गई टिप नंबर 1। अब खेल किसका बचा, अब सारा खेल बचा है हेल्पिंग वर्ब का। आपने मेन वर्ड समझ लिया ना, ये मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। अब बचता है हेल्पिंग वर्ब, और इसी को समझना है कि हमें इसे किस तरीके से यूज करना है। अब साथ ही साथ अगर हमने सेंटेंस को लिया था तो यहां से टोल्ड को उठा लें, आई टोल्ड हिम, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, अभी ये अधूरा ही है। यहां तक राम टोल्ड मी, मतलब राम ने मुझे बताया, अगर मैं सिर्फ इसको चेंज कर दिया, मैंने आई और इसको कर दिया राम, तो आई टोल्ड राम, ये तो ये हो गया कि मैंने राम को बताया, ये तो अर्थ ही बदल गया। तो अर्थ नहीं बदलना है, अर्थ सेम रहेगा। यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताया राम ने, या फिर मुझे बताया गया राम के द्वारा। तो यहां पे एक बाई यूज होता है इस तरीके से, उस ऑब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं थी, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो इस सेंटेंस में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ वॉज का यूज होगा।
आई वॉज टोल्ड बाई हिम, मुझे बताया गया उसके द्वारा, या फिर आई वॉज टोल्ड बाई राम, मुझे राम के द्वारा बताया गया, या फिर मुझे बताया राम ने। आप इसका अर्थ चाहे जैसे निकालें, अब आपको इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क नहीं लगेगा, दोनों का अर्थ सेम है। राम टोल्ड मी, राम ने बोला मुझसे, या राम ने मुझे बताया। एंड आई वॉज टोल्ड बाई राम, यहाँ भी इसका मतलब वही हुआ कि मुझे बताया गया राम के द्वारा, या मुझे बताया राम ने। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपने हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अब आता है हेल्पिंग वर्ब्स का खेल। तो सबसे पहले उसे समझते हैं, तब आप इन दोनों सेंटेंस को खुद से बना पाएंगे। तो गाइज बने रहिए वीडियो के एंड तक, एक एक टिप आपके बहुत काम आने वाली है। तो अब आपके सामने है टिप नंबर 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिस टेंस का पैसिव बनाना हो उसके बाद वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव बनाना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट के सेंटेंस का, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ड लगा दें। आप अंग्रेजी सीखते हैं, इसकी क्या इंग्लिश होगी? यू लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखते जाइएगा तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यू लर्न इंग्लिश, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट? अब इसका बनाना है पैसिव, जो कि हो जाएगा अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है। अच्छे से सेंटेंस बनाने के लिए आप इसे तोड़ दिया करिए सेंटेंस को। अंग्रेजी सीखी जाती है आपके द्वारा, तो अंग्रेजी सीखी जाती है तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने अंग्रेजी को बना लिया ना सब्जेक्ट, इंग्लिश को, जो यहां से यहां आएगा इंग्लिश। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी आती है? इनडेफिनिट के सेंटेंस का बना रहे, कंटिन्यूअस में आती है सिंगुलर के साथ इज, ठीक है? सो इंग्लिश इज। और मेन वर्ब क्या आएगी? मेन वर्ब तो मैंने आपको टिप नंबर 1 में बता ही दिया कि सभी टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। टेंसेज क्या, उसके अलावा जब आप लेट वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाएंगे तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, इस चीज को समझ के रखिएगा। सो इंग्लिश इज अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, कंफ्यूज ना हो, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड भी होती है, ईडी वाली भी होती है और ये भी होती है। सो इंग्लिश इज लर्नड, अब क्या है आपके द्वारा, पहले आपने बना लिया अंग्रेजी सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड, फिर आपके द्वारा। तो मैंने क्या बताया था कि बाय से हम जोड़ते हैं, बाय यू। तो हो गया ना इजी कि कैसे बनाना है। अगर इनडेफिनिट का आ गया तो उसके बाद वाला कंटिन्यूअस वाला हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब आगे पास्ट वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसने पत्र लिखा, क्या हो जाएगा? ही, ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। राइट की सेकंड फॉर्म आएगी रोट, ही रोट अ लेटर, ठीक है? अब हम पास्ट इनडेफिनिट में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस वाला वर्ब लगा देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, वॉज या फिर वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ही था, लेकिन यहाँ पे पत्र, पत्र आ गया ना सब्जेक्ट की जगह पे, पत्र, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर, फिर अ लेटर सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, अ लेटर वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय किसके द्वारा, उसके द्वारा, यहाँ ही था तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है तो ही हिम में बदल गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। इजी होता जा रहा है ना आपके लिए, इस तरीके से समझेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। रोहन एक ईमेल भेजेगा, ये फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। रोहन एक ईमेल भेजेगा, इसका हो जाएगा रोहन विल सेंड एन ई मेल, ठीक है? रोहन विल सेंड एन ईमेल। तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो कौन सी वर्ब यूज करनी है, अब आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, विल बी, है ना, विल बी और शैल बी। तो यहां पे ईमेल था ना, ईमेल था ना ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, एन ईमेल। अब इसके साथ क्या आएगा, विल बी, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, और फिर थर्ड फॉर्म सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, एंड ईमेल विल बी सेंट
बाय, अब क्योंकि ये नाम है तो नाम एज इट इज जाता है, बाय रोहन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब आप ध्यान दीजिए, आपने कितने अच्छे तरीके से और कितनी इजीली ये चीज सीख लिया कि जब प्रेजेंट इनडेफिनिट था तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब यूज की, हेल्पिंग वर्ब इज, और मेन वर्ब तो भाई इजी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। जब पास्ट इनडेफिनिट था तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, जब फ्यूचर इनडेफिनिट था तो उसके बाद आने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, इजी हो गया। अब आपको अगर एग्जाम में आता है, आपने ये पहचान लिया कि ये इनडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आंसर है उसमें एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और दूसरा उसके बाद आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर आप उसे क्रैक कर लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ गाइस, एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, उसे आप मिस मत कीजिएगा कि ये चीज कंटिन्यूअस में लागू नहीं होगी, ठीक है। आगे जो अभी मैं आपको परफेक्ट टेंसेस का बताऊंगी उसमें लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में नहीं होगा, कंटिन्यूअस को छोड़कर आप इस तरीके से याद रखिएगा। उसके पीछे का रीजन है मैं आपको सेंटेंसेस के जरिए बताती हूँ। तो गाइस ये रहा सेंटेंस, वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। यहां पर ये रूल क्यों नहीं लागू होता उसके पीछे का रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी दिखाते हैं ना कि काम कंटिन्यू है और आईएनजी लगा हुआ है। अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे और आईएनजी हट जाएगा, नहीं इसके बाद वाला अगर हमने हैज हैव लगा दिया तो काम कंप्लीट हुआ माना जाएगा, तो अर्थ बदल जाएगा। तो कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बीइंग का, इस बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वर्ब इसमें है इज एम आर वॉज वर्ब पास्ट के लिए वो वही तरीके से यूज होती है। सो बीइंग इसमें इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस वाले में, ठीक है। तो आप बीइंग को ध्यान में रखिए, कंटिन्यूस तो आईएनजी, बीइंग ये चीज याद रखिए कि अगर कंटिन्यूस है तो हमने बीइंग का यूज करना है। वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड सबसे पहले आ जाएगा और हम बोलेंगे फूड, उसके बाद क्या बताया मैंने कि वही वर्ब यूज होगी ना, कंटिन्यूअस टेंस वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज एम आर वॉज वर्ब, सो फूड इज, फूड के साथ इज आएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फूड इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या है, ईट है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा ईटन, फूड इज बीइंग ईटन बाय शी है तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि हर हो जाएगा, बाय हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आया, फूड इज बीइंग ईटन बाय हर। तो आप ध्यान रखिए जब कंटिन्यूअस के आप पैसिव बनाएंगे तो आपको बीइंग का यूज करना है, साथ ही साथ इज एम आर वॉज वर्ब पास्ट है तो वॉज वर्ब का, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। तो यहाँ एक पास्ट का सेंटेंस देखते हैं, वह दूध गर्म कर रहा है, सॉरी यहाँ पर था होना चाहिए, वह दूध गर्म कर रहा था, ही वॉज हीटिंग अप का भी यूज कर सकते हैं, ही वॉज हीटिंग अप द मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पास्ट की वर्ड यूज करनी है, वॉज वर्ब और साथ में बीइंग, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, द मिल्क, फिर मिल्क के साथ क्या जाएगा, वॉज ही आएगा, द मिल्क वॉज, फिर बीइंग लगा देना है बिना कुछ सोचे समझे, द मिल्क वॉज बीइंग, उसके बाद हीट अप है, यहाँ हीटिंग है तो हमने आईएनजी तो यहाँ लगा ही दिया, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हीट का हीटेड होगा, द मिल्क वॉज बीइंग हीटेड अप, फिर बाय हिम, क्योंकि ही है तो ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में आके, द मिल्क वॉज बीइंग हीटेड अप बाय हिम, इसका मतलब है कि दूध उसके द्वारा गर्म किया जा रहा था, यानी दूध को वो गर्म कर रहा था। एक और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं बनाया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का वही रूल होता है जो आप नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश, हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है ना इंग्लिश को, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इज इंग्लिश बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जा रही है, इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय
यू, इस तरीके से बनेगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो ये रूल नंबर टू आप याद रखिए, जिस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो उसके बाद वाले टेंस की अर्थिंग वर्ब लगा दो, लेकिन कंटिन्यूअस को छोड़ देना। कंटिन्यूअस में आपने बीइंग का यूज करना है और उसी टेंस की वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट वाला देखते हैं, क्योंकि परफेक्ट में भी यही रूल लागू होगा और आप ये मैजिक देखेंगे कि आपने कितनी आसानी से सब कुछ सीख लिया है। तो अब बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस की। तो परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसके बाद वाले टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज बीन, हैव बीन। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी उसमें हमें बीन ऐड कर देना है, ठीक है, जैसे उसके आगे वाले टेंस में होता है। तो यहाँ पे मैंने ये ले रखा है एक सेंटेंस, क्या उसने खाना खा लिया है, मतलब क्या वह खाना खा चुकी है, इसकी क्या ट्रांसलेशन होती है, हैज शी ईटन फूड। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज का यूज हुआ है। अब हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे यहाँ पे, फूड को। तो क्योंकि ये इससे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हम क्या बोलेंगे, फूड के साथ भी हैज ही आएगा। Has the food, has the food, उसके बाद been आ जाएगा। Has the food been eaten? यहां तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज होती है परफेक्ट टेंसेस में, और पैसिव में तो वैसे ही करनी है। Has the food been eaten by? By के बाद क्या आ जाएगा, she है तो वहां क्या होगा, her हो जाएगा, by her, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला सेंटेंस, ये पास्ट का है, ठीक है। उन्होंने ये किया था, या फिर ये उन्होंने किया था, दे हैड डन दिस। तो यहां पे हैड है, अब हमें क्या जोड़ देना है, बीन का, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जोड़ते हैं, बीन को। सो दे हैड डन दिस, तो यहां पे हम इसको लेंगे सब्जेक्ट के लिए और बोलेंगे दिस, फिर हैड, फिर बीन, फिर डन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय और दे है तो क्या हो जाएगा, देम, बाय देम। ये उनके द्वारा किया गया था। तो अगर तोड़ के बोले तो दिस हैड बीन डन, ये किया गया था बाय देम, उनके द्वारा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। तुम्हें ईमेल मिल चुका होगा, मान लीजिए हम किसी समय की बात कर रहे हैं कि कल 8 बजे तुम्हें ईमेल मिल चुका होगा, तो इसका क्या ट्रांसलेशन है, यू विल हैव रिसीव्ड द ईमेल। तो अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले द ईमेल लिखेंगे ना, द ईमेल, फिर विल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल हैव बीन, तो आप बोलेंगे विल हैव been, फिर received by, क्या है यहां पे, you। तो you का object form भी you ही होता है, इसलिए you आएगा, ठीक है। The email will have been received by you, मतलब कि तुम्हारे द्वारा email ले लिया जा चुका होगा, तो इसका ये sense निकला। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप active से passive बनाते हैं तो दोनों का अर्थ सेम ही रहता है, सिर्फ फर्क इस चीज का आ जाता है कि एक्टिव में कर्ता खुद काम को कर रहा है और पैसिव में हम काम पर दिखाते हैं, काम किया गया, और बाद में लगा देते हैं किसके द्वारा। अगर वहां पे आपको ये नहीं लगाना है बाय यू, तो भी आप बात को कंप्लीट कर सकते हैं, द ईमेल विल हैव बीन रिसीव्ड, मतलब कि ईमेल मिल चुका होगा। तो अब आपने समझ लिया ये रूल, तो टिप नंबर टू यहां पर काम आई कि जिस टेंस का पैसिव बनाना है उसके बाद वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज कर ले। अब आपने टेंस के सारे सेंटेंसेस के पैसिव बनाना सीख लिया, अब बारी है टिप नंबर थ्री की, जिसमें हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाना और साथ ही साथ मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाना, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, जब ऐसे सेंटेंसेस हो एक्टिव में तो उनकी पैसिव कैसे बनाई जाए। लेट्स लर्न देम नाउ। द टिप नंबर थ्री इज मॉडल वर्ब्स, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाले सेंटेंसेस में बी का यूज करें, ठीक है। तो वर्ब तो सेम रहेगी, कैन है तो कैन ही रहेगा, साथ में बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो यू शुड मेक टी, तुम्हें चाय बनानी चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले टी को पहले लाएंगे, द टी
should be, अब यहाँ पे be लग गया, ठीक है, the tea should be, फिर make की third form made by you. तो आपने समझ लिया, आपको बस be का use करना है, easy है, बहुत easy है. She can do this. तो इसका क्या बन जाएगा, अब आपको पता है. सबसे पहले इसको यहां ले आए, this, फिर can use कर लेंगे जो है, फिर be लगा देंगे. This can be, do की third form, done. फिर by her. शी है तो हर, दिस कैन बी डन बाई हर, ये उसके द्वारा किया जा सकता है. शी माइट ड्रॉप दिस, उससे ये गिर सकता है. तो सबसे पहले क्या लाएंगे, दिस को, फिर माइट को यूज कर लेंगे, दिस माइट बी, फिर ड्रॉप की थर्ड फॉर्म ड्रॉप, दिस माइट बी ड्रॉप्ड बाई हर. इजी है ना, मोडल वर्ड्स अगर आ गए एक्टिव में तो पैसिव बनाने के लिए बस बी का यूज कर लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है. अब मैंने आपको तीन स्पेशल टिप्स दे दी, अब एक और टिप मैं देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, जैसे कि ओपन द विंडो, ठीक है. अब क्या है कि ये आज्ञा दी जा रही है, ओपन द विंडो, अब इसमें क्या होना, ठीक है, तो यहां पे आप लेट का यूज करते हैं और बी का, तो इसका क्या फॉर्मूला है, लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है. तो यहां आप लेट का यूज करते हैं. ओपन द विंडो की अगर आप पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगी लेट फिर द विंडो, लेट द विंडो बी ओपेंड, ठीक है, लेट द विंडो बी ओपेंड. सो इजी है ना आपके लिए, जहां पे आपको ऐसे सेंटेंसेस दिख जाए, जैसे ओपन द विंडो हो गया, शट द डोर हो गया, शट द डोर, ठीक है, ये है शट द डोर. इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट फिर क्या हो जाएगा, द डोर, फिर लगा देंगे बी, फिर लगा देंगे थर्ड फॉर्म शट. अब शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, ठीक है. सो लेट द डोर बी शट, इजी. अब आपको हर तरीके के सेंटेंसेस आ गए गाइस. एक और चीज जरूरी है, जो मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताए थे उसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम मैंने क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं बताए. तो अगर क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हु हैज डन दिस, अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. एक और ले लेते हैं, व्हाई वर You making that? ठीक है, why were you making that? Sorry, question mark होना चाहिए. Why were you making that का मतलब कि तुम वो क्यों बना रहे थे. तो जब question word से active शुरू होता है तो passive उसी question word के साथ शुरू होता है. सबसे पहले why लगा देंगे, फिर मुझे that को use करना है. Why? लेकिन हमें एक helping verb भी चाहिए और यहाँ वर्ड है, यहाँ ing है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, वर्ड पास्ट कंटिन्यूअस वाली चाहिए, साथ में बीइंग लगाना है. व्हाई, अब दैट आएगा इसलिए वाज आ जाएगा यहाँ पे. व्हाई वाज दैट बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय यू, ठीक है, शुरुआत वाई से हुई. कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर हु है तो हु को बदल के बाय हुम कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी. बाय हुम, अब यहां हैज है, इसके बाद वाला कौन सा टेंस आता है जिसमें हैज बीन यूज होता है. बाय हुम हैज दिस बीन डन, बाय हुम हैज दिस बीन डन, Who has done this? ये किसने किया है? By whom has this been done? मतलब कि किसके द्वारा ये किया गया है? मतलब सेम ही ना, ये किसने किया या फिर किसके द्वारा ये किया गया है? तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो वैसे ही लिख देना है. Who आए तो by whom करना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए. इवन आप आपको एक नेगेटिव सेंटेंस भी दे देती हूँ, इसी को नेगेटिव बना लेते हैं. Why were you not making that? तो हो जाएगा Why was that not being made by you. तो not कहाँ आता है, subject के बाद आता है. यहाँ पे हमने that को subject बनाया था इसलिए यहाँ पे not आया. तो guys negative उसी तरीके से बनेंगे जैसे बनते आए हैं,
और अब आई होप इवन आई एम श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। एक्टिव से पैसिव बनाना आपने सीख लिया, साथ ही साथ पैसिव सेंटेंसेस अभी बचे रह गए हैं। जी हाँ, पैसिव सेंटेंसेस जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मुझसे बोला गया, ऐसा ही कुछ मैंने लिखा था ना शुरू में, मुझसे बोला गया। अब क्या है कि इसमें ये पहले से ही पैसिव है क्योंकि हम उसका जिक्र नहीं कर रहे किसने बोला, हम उसकी बात कर रहे हैं जिस पर क्रिया हो रही है, जो क्रिया को रिसीव कर रहा है, मुझसे बोला गया, तो यहाँ आई हो गया। अब आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसमें कौन सी वर्ब आनी चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस वाली। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज। सो आई वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वॉज टोल्ड। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वाले टेंस वाले, सो आई वॉज टोल्ड। क्लियर हो गया, इजी हो गया आपके लिए। इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस में आपको देती हूँ। तो चाय बन चुकी है, क्या बोलेंगे, चाय बन चुकी है, चाय बन चुकी है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, द टी। अब ये देखिए किसने बनाया, इसका जिक्र नहीं हो रहा ना, ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो ये पैसिव ही है। द टी अब बन चुकी है, अब समझिए ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, तो द टी हैज बीन लगा देंगे, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सो द टी हैज बीन, अब बन चुकी है। अब चाहे आप प्रिपेयर का यूज कीजिए, चाहे मेक का यूज कीजिए, द टी हैज बीन प्रिपेयर, या फिर द टी हैज बीन कुक्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं, द टी हैज बीन मेड। सो हैज बीन बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप इस तरीके से याद करते हैं कि जिस टेंस का पैसिव बना रहे हैं उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर ये बोला जाए कि चोर पकड़ा जाएगा, कौन पकड़ेगा, जाहिर सी बात है पुलिस पकड़े या जो भी पकड़े, बट हमने क्या बोला, चोर पकड़ा जाएगा, ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी, इसमें आ जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली, उसके बाद वाली, तो हम क्या बोलेंगे, द थीव फिर विल बी, हम कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, विल बी, द थीव विल बी और उसके बाद कॉट, कैट की थर्ड फॉर्म कॉट। क्लियर, तो जब भी आपको डायरेक्टली पैसिव बनाना है तब तो आपके यही रूल काम आएगा जो मैंने बताया, इसलिए इसको इसी तरीके से याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे। और आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। गाइज आई नो कि अब से आप आगे से गलती नहीं करेंगे और एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट करने को आएगा तो भी आप बड़े ही आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। होप गाइज कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप तक कोई भी चीज़ इतनी सरलता से पहुँचाऊँ कि आप आगे चल के गलती ना करें, एक वीडियो में आप वो सारी चीज़ सीख लें। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए और आप इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आई नो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।